वेरिएबल्स एंड प्रिंट देम ऑन कंसोल. तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. इंस्ट्रक्शंस में वो क्या कहता है, क्रिएट अ प्रोग्राम. अब प्रोग्राम इस तरह से बनाना है, वेरिएबल्स के नेम्स जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, डेटा टाइप्स भी इनकी करेक्ट होनी चाहिए. डेटा टाइप्स का आइडिया हो गया क्लास आप लोगों को? यस मैम. हाँ, डेटा टाइप मतलब आपके डाटा की टाइप क्या है. अगर आपने कोई नंबर्स सेव करने हैं तो वो इंटीजर होता है. अगर आपने कोई पॉइंट वाला सेव करना है तो उसके लिए कौन सी डेटा टाइप है क्लास? फ्लोट या डबल? डबल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है. ओके. और इंडेंट भी करना है अपने कोड को प्रॉपरली. तो क्विकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं हम. अगेन अपने विंडोज एक्सप्लोरर में जाएंगे जहाँ पर हमने अपना काम किया है. अगेन एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे लैब टू. टास्क नंबर 5, टास्क 5 इसके एक्सटेंशन चेंज की डॉट जावा. अब इस कोड इसके कोड को लिख लेते हैं यहाँ से. पब्लिक कीवर्ड लोअर ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम आपके स्पेलिंग होने चाहिए. पब्लिक के बाद आप लिखते हो क्लास लोअर केस में. क्लास का नाम एग्जैक्टली फाइल नेम के जैसा होना चाहिए. लैब टास्क नंबर 5 बॉडी के नीचे से एग्जैक्टली आपने हेड के एग्जैक्टली नीचे से आपने इसकी बॉडी स्टार्ट कर देनी है. टैब का बटन प्रेस करोगे तो आपने वहाँ से ही राइटिंग स्टार्ट कर लो, चाहे मैनुअली आप स्पेस केस के साथ स्टार्ट कर लो. बस चीज़ें अलग अलग नज़र आनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए और वेल ब्यूटिफाइड भी होनी चाहिए. पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम आर्गुमेंट्स. ओके. तो अभी वो क्या कह रहा है कि आपने दो वेरिएबल्स बनाने हैं, उनका जो है प्रॉपर उनकी डेटा टाइप भी रखनी है और प्रॉपर उसका जो है वेरिएबल का नाम रखना है. तो वो क्या कह रहा था, आपने क्या करना है, सेव राइट अ प्रोग्राम विच स्टोर्स योर रोल नंबर एंड CGPA. अब हम लोगों को पता है अगर रोल नंबर इस फॉर्म का है तो ये इंटीजर सपोर्ट कर लेगा इसको, है ना. आप लोग के रोल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं और आपके CGPA जो है वो पॉइंट के साथ होते हैं, तो ये डबल डेटा टाइप होगी. तो इस तरह से वेरिएबल इसको बनाते हैं. तो पहले हम वेरिएबल की डेटा टाइप लिखते हैं इंट. इंट लोअर केस में आता है ना क्लास? यस यस मैम. तो हम इंट फुल नेम इंटीजर भी होता है, कैपिटल आई. वो क्लास होती है बेसिकली, वो एक अलग चीज है. तो लोअर केस वाला आपने करना है. तो ये डेटा टाइप है, ठीक है. रोल नंबर अगर आप लिखोगे पूरा तो भी मीनिंगफुल है, अगर आप इसको शॉर्ट में रखोगे तो भी ठीक है. और आप लोग एक्नॉलेज करते रहना ताकि मुझे बताओ कि मैं कनेक्टेड हूँ. तो रोल नंबर एक वेरिएबल आपने बनाया, देन आपने एक और वेरिएबल बनाया, उसका डेटा टाइप आपने डबल रख लिया क्योंकि आप इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू सेव कराना चाह रहे हैं. उसका नाम हम CGPA रख लेते हैं, ठीक है. दो वेरिएबल्स आपने बना लिए. इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन, इन चीज़ों का आइडिया है ना आप लोगों को? नॉन आईसीएस वाले बच्चे बताएं स्पेशली. यस मैडम. ओके. यानी अब हम जब वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का डेटा टाइप जस्ट देते हैं तो ये डिक्लेरेशन है. और जब हम उसको वैल्यू सिर्फ देते हैं तो वो बेसिकली उसको इनिशियलाइज करना है. यानी अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको रोल नंबर 20 14 0001, लेट्स से, तो इसके बाद सेमीकोलन. तो ये बेसिकली इनिशियलाइज किया है हमने, इसके अंदर वैल्यू दी है. ऐसे है ना, जब हम किसी वेरिएबल को जस्ट वैल्यू देते हैं तो वो इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है. और अगर हम किसी वेरिएबल को इनिशियल डिक्लेयर भी करते हैं और साथ में उसको वैल्यू दे देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है क्लास? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइज़. हाँ, उसका कंबाइंड नाम भी होगा कोई. अगर इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है आप लोगों की, तो देखो अब ये डिक्लेरेशन है ना, अगर मैं डिक्लेरेशन करने के साथ ही उसको वैल्यू भी दे देती हूँ तो क्या करता है वो, ये बेसिकली डेफिनेशन हो जाती है, डिफाइन करती है. डेफिनेशन आपकी तभी कंप्लीट होती है ना जब आपने सारे पैरामीटर्स के ऊपर बात कर ली हो. तो जब मैंने सब कुछ बता दिया, उसका डेटा टाइप भी बता दिया, उस वेरिएबल का जो है मैंने नाम भी बता दिया, उस वेरिएबल की वैल्यू भी बता दी, सारे पैरामीटर्स मैच्योर हो गए, तो अब ये डेफिनेशन है. मैम, ये तीन चीजें अलग अलग.
रिपीट कर दो। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मैम सी में तो हम मॉडुलस डी से साइन करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ इक्वल लगा के साइन कर देंगे तो कोई भी किसी किस्म का भी किसी भी प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा कि इंट में अगर उसको लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस के सिंटैक्स डिफरेंट है ना, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप इस तरह से ही वैल्यू असाइन करते हो। तो हम अगर मॉडुलस डी देखें, मेरा ख्याल है वो तो आप जब आउटपुट करने लगते हो तब आता है। यस मैम, के एनएफ करके बाद उसको आउटपुट अगर खुद देना तो हम उसको मॉडुलस डी करके कोई मैथमेटिकल करके तो उसको शो करें। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि अब रोल नंबर ये इस तरह कुछ और हो तो हमने इसको चेंज करना हो तो हम डायरेक्टली वैसे ही चेंज कर देंगे। हां कर सकते हैं, फिर आपको उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अब इस लैंग्वेज के अंदर रहते हैं तो पुराने रेफरेंस अगर हम ना लें तो मतलब बाकी क्लास कंफ्यूज ना हो जाए। तो अभी तक हमने सिर्फ ये किया कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करने का मतलब हमने जस्ट उसकी डाटा टाइप बताई है और उसका नाम बताया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने वेरिएबल को वैल्यू दे दी है, तो वैल्यू देना बेसिकली इनिशियलाइज करना, ये इक्वल चीज जो है ना, इक्वल इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये जो राइट साइड पे चीज है इसको लिटरल कहते हैं ना, वेरिएबल लिटरल। तो वेरिएबल का जो लिटरल है वो वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर देखो और जस्ट आपके पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल का लिटरल है तो ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, हमने उसके अंदर कोई इनिशियल वैल्यू दे दिया, फिर उसके बाद वो बात करता है कि अगर मैं उसकी डाटा टाइप, उसका नाम और साथ में उसकी वैल्यू भी असाइन कर दूँ, तीनों पैरामीटर्स पूरे हो गए तो इसको हम वेरिएबल डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, यस मैम, वेरिएबल्स बना लिए, उसके अंदर डाटा सेव कर लिया, फिर उसने कहा कि इसको राइट भी करना है और इसको लाइक मैम इधर वेरिएबल से समझ नहीं आई। हां ये कौन है? अबुबकर, अबुबकर, अबुबकर सिद्दीक। परेशान हो गए आप तो कोई बात नहीं, हम रिपीट कर लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है, एक मेमोरी ब्लॉक है कि जिसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं। जैसे आप लोग ये देखो ना, आपकी कुछ फाइल्स हैं तो ये कहीं पर सेव हुई हैं कंप्यूटर में, जबकि जो आप पहले काम कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट के अंदर जब चीज़ें लिख रहे थे वो कहीं पर सेव नहीं हो रही थी। तो आप अगर जाते हो अपनी चीज़ को कहीं पर सेव करना है तो वो वेरिएबल्स होते हैं। अभी तो आप वेरिएबल्स पढ़ रहे हो ना, अपकमिंग या सेशन के आपके इस सब्जेक्ट के एंड तक आप शायद फाइल हैंडलिंग भी करोगे तो उसके अंदर आप पूरी पूरी फाइल्स को भी सेव करोगे उसके अंदर डाटा रखे। तो अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स के अंदर डाटा रखना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल्स की जब हमने बात की तो हमने कहा कि वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स हैं कि जिसके अंदर हम डाटा टाइप डाटा रखा करेंगे। तो फिर जिस तरह का वेरिएबल का डाटा टाइप होगा वो उसी तरह का जो है अपने अंदर कंटेंट जो है रखने के कैपेबल होता है। अगर हमने उसकी डाटा टाइप इंट रखी है तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वेरिएबल यानी नंबरिक नंबर्स 1, 2, 3 टाइप्स की चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। अगर वो हमने उसकी डाटा टाइप जो है डबल रखी है तो उसके अंदर जो है आपके पास क्या आएगा, पॉइंट के साथ डाटा आ सकता है। अब इसको अगर ये सपोर्ट करता थोड़ा सा विजुलाइज भी कर देती हूँ। तो जैसे आपके पास ये एक डिब्बा है, ये आपका समझ लो कि वेरिएबल बन गया। वेरिएबल के अंदर क्या करते हो आप, उसका सबसे पहले डाटा टाइप रखते हो। तो डाटा टाइप उसने कहा कि हम मैं जो अभी रख रहा हूँ ये एक इंटीजर डाटा टाइप होगी और इसका नाम जो है वो क्या है, जो पहला आपने रखा रोल नंबर, ऐसे ही है ना, तो आर रख लेता है तो रोल नंबर है। तो ये जो डिब्बा अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसमें मैंने सिर्फ उसकी डेटा टाइप बताई है और जस्ट उसका जो है नाम बताया है। नाम क्या है, रोल नंबर, रोल या और इसका डेटा टाइप है इंट। ये ब्लॉक जब बना सिर्फ तो ये वेरिएबल के अंदर वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू भी रख देते हैं तो ये होती है इनिशियलाइजेशन, यानी अगले स्टेप में हमने सिर्फ उस डिब्बे के अंदर डाटा रखा है। जैसे इसने जो है, माइक किसका ऑन है भाई, इस स्टेप में जस्ट हमने उसके अंदर डाटा रख दिया तो वो उसके अंदर इनिशियलाइजेशन हो गई। अब फिर वो स्टेप के जिसके अंदर आप तीनों काम इकट्ठे कर रहे हो, आप ब्लॉक भी बना रहे हो, साथ में उसकी डाटा टाइप भी बता रहे हो, साथ में उसकी वैल्यू भी बता रहे हो, तो उसको हम डेफिनेशन कहते हैं। क्लियर है? और देखो कमेंट में मैंने साथ साथ बता दिया यहाँ पर हो क्या रहा है। जी बेटे, ये सारा काम मेमोरी सेल्स में होगा ना? हाँ, मेमोरी सेल्स में। बात की ना, हमारे पास चीजें जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव हो रही है, तो जो भी हम जिसके अंदर काम कर रहे हैं वो मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो फिर हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने इसको डिस्प्ले भी करना है, सीपीपी एंड प्रिंट देम ऑन कंसोल इस तरह से।
तो हम सिस्टम डॉट आउट की लाइन लिखेंगे, हम कमांड लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, करना चाह रहे हो तो कर लो, खाली प्रिंट से भी आपका काम चल जाएगा। तो जी, तो पहले हमने क्या लिखना है, माई रोल नंबर इज, अब ये क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है, माई रोल नंबर इज। अब इसके बाद वो वेरिएबल की वैल्यू आनी है ना जिसके अंदर हमने डाटा सेव किया, हम इसको मैनुअली नहीं लिखेंगे 2014 दिस, हम वेरिएबल लगाएंगे। तो जब वेरिएबल आपने करना है तो आप इस स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करोगे किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ऐड करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। तो उसके लिए प्लस का साइन आएगा, प्लस कब करेंगे, जब हमने दो चीज़ों को कंकैटिनेट किया करना है, एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ कंकैटिनेट करना है। हम दो स्ट्रिंग्स को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं होगा अगर हम दो मैसेजेस के दरमियान में प्लस लगा भी लेंगे। लेकिन आप लोग इसको यूज बेसिकली, इसका पर्पस ये था कि आप किसी वेरिएबल और किसी स्ट्रिंग को अगर आप करना चाह रहे हो तो वो आप बेसिकली कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करके सिस्टम डॉट आउट में लिखोगे, देन ही वो इसको पिक करेगा। तो अब हम मतलब अगर आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर रोल लिखते हो ना तो वो रोल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसको नहीं पता कि ये कोई वेरिएबल है, तो वेरिएबल बताने के लिए उसको स्ट्रिंग से बाहर लिखना है, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा आपसे, माय रोल नंबर इज और माय सीजीपीए इज, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बैक स्लैश एन दे लेते हैं। आप चाहो तो दो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन वाली लाइन लिख लो, चाहो तो एक के अंदर ये काम कर लो। तो माय सीजीपीए इज, माय सीजीपीए इज, यहाँ पे आगे हम इसका वेरिएबल लिखना चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे क्लास, पोस्टिव साइन यूज मैम, हाँ इसको कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, सेमीकोलन को टर्मिनेटर ऑपरेटर, टर्मिनेशन कहते हैं या स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, तो कंप्यूटर वर्डिंग अब यूज क्या करेंगे हम, तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे सी जी पी ए प्लस, और मेरा ख्याल है इसके बाद हमें कुछ भी नहीं लिखना तो प्लस नहीं करते। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर है क्लास, हमने क्या किया वेरिएबल को डिक्लेयर करके देख लिया, फिर उसको इनिशियलाइज किया, फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया, उसमें सारा कुछ इकट्ठे कर लिया, उसको हम कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन, हमने इकट्ठे उसको डिफाइन कर लिया। फिर हमने क्या कहा कि इसको प्रिंट करना, तो हमने एक ही प्रिंट आउट के अंदर, एक ही प्रिंट लाइन के अंदर सारी लाइन बता दी उसको प्रिंट कर दिया। फिर हमने बात की कि अगर हमने स्ट्रिंग लिटरल को और वेरिएबल को एक ही लाइक उसमें लिखना है तो आप क्या करते हो, कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करके उसको उसका जो वेरिएबल नेम है वो लिख देते हो। अगर वेरिएबल के नेम जो अब जो यहाँ पर नाम है एग्जैक्टली सेम होने चाहिए दोनों, अगर आर कैपिटल कर देते तो वो एक अलग वेरिएबल होगा, वो उस पर आपको एरर देगा। इसको पहले सक्सेसफुली रन करते हैं फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने फॉलो कर लिया, अब चलते हैं इसको, हाँ अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी, टास्क नंबर है हमारा 5, इंटर प्रेस किया तो उसने कोई एरर नहीं दिया। अब हमने जस्ट इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखना है, एंटर प्रेस करते हैं तो उसने हमें एग्जैक्टली वैसा ही आउटपुट दिया जैसा वो चाह रहा था, ठीक है, हमने उसको उस तरह से फॉर्मेटाइज किया। अच्छा, अगर आपके यहाँ पे वेरिएबल के नेम डिफरेंट हो जाते हैं, अगर गलती से आप यहाँ पर आर लिख लेते हो तो क्या होता है, तो आपको एरर जनरेट कर देगा कि रोल तो कोई चीज़ ही नहीं है जो तुम कह रहे हो, हालांकि हमें पता है कि हमने रोल बनाया, तो मिस्टेक क्या है, कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल, कौन सा सिंबल, रोल, तो उसने पोजीशन भी बता दी जी यहाँ पर मसला है। तो आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल डेफिनेशन के वक्त जो आपने वेरिएबल का स्पेलिंग रखे हुए हैं या जो अपर केस लोअर केस है एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है, क्योंकि जावा जो है हमारे पास ये केस सेंसिटिव है ना, तो इसके एरर को वो डिटेक्ट कर लेता है। अगर हम ये वेरिएबल को यहाँ पर नहीं लिखते, हम इधर ही लिख लेते हैं इज दिस, हमें पता है कि हमने रोल के अंदर अपना डाटा सेव किया हुआ है ना, तो क्या करता है वो, ये प्रिंट करके देख लेते हैं। तो वो कंपाइल करेगा, कोई मसला नहीं है उसको, क्यों मसला नहीं है, हमने बात की कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज होती है वो उसके अंदर एरर नहीं जनरेट करता, वो उसको एज इट इज जो है प्रिंट कर लेता है या एज इट इज उसको निकालता है, तो वो प्रिंट ही करेगा। तो प्रिंट करने के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं क्या हम सही बात कर रहे हैं।
आउटपुट देखा तो उसने कहा योर रोल नंबर इज रोल, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, रोल वाली वैल्यू आनी चाहिए. तो मतलब अब इसने रोल को एज ए वेरिएबल नहीं लिया, उसने एज ए मैसेज या एज ए स्ट्रिंग समझा है कि जो भी इसने प्रिंट करवाना है उससे उसको कंसर्न नहीं है. बाकी वाला काम उसने कर दिया, उसने क्या किया दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर दिया बस. तो हमने बेसिकली अपना वेरिएबल यहाँ पर लिखना था, देन वो हमें अप्रोप्रिएट आंसर देता. क्लियर क्लास? यस मैडम. यस मैम. एनी क्वेश्चन या किसी का कोई एरर आया हो? मैम स्ट्रिंग लिटरल इनवर्टेड कॉमास के अंदर आता है ना? हाँ जी. तो आप काइंडली जरा ये बता दें कोड में से इधर से इनवर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है तो खत्म कहाँ हो रहा है? ओके. अच्छा ये जो है बेसिकली जो अंदर की चीज है ना ये लिटरल है. अच्छा ये भी बात होगी हमारी कि ये वेरिएबल लिटरल है, यानी वेरिएबल की वैल्यू है. ये वाली चीज जो है ये भी वेरिएबल का लिटरल है, उसकी वैल्यू है. तो इसी तरह से हमारी स्ट्रिंग के भी ना स्ट्रिंग लिटरल है. ये जितनी चीज हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखी हुई है ये बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल है. तो एक स्ट्रिंग हमारी ये है इतनी, ये एक अलग स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट कहाँ से हुई, इस वाले डबल कोटेशन मार्क से. ठीक है, उसके अंदर वाली चीजें उसने पढ़ी पढ़ी, ठीक है. उसने माई एम पढ़ा, उसने प्रिंट कर दिया. वाई पढ़ा, प्रिंट कर दिया. स्पेस, उसने स्पेस प्रिंट कर दी. देन उसने ये सारा जो है प्रिंट कर दिया. जब उसको डबल कोटेशन मार्क मिली उसने कहा अच्छा ठीक है स्ट्रिंग नंबर वन जो है वो खत्म हो गई है. फिर उसने कंकैटिनेशन देखा, कहता है अच्छा अब जो आगे चीज आएगी वो हमने इसके साथ ही यहीं पर सम कर देनी है, इसके साथ ही उसका जो है ना जो भी उसका वैल्यू है वो इधर प्रिंट कर देनी है. तो उसने देखा कि प्लस के साइन के बाद एक जो चीज है ये मैंने ऊपर देखी थी यार, ये कोई वेरिएबल है. तो उसको मिल गया जी हाँ ऊपर एक रोल नंबर वेरिएबल बना हुआ था एग्जैक्टली ऐसा. तो मैंने यहाँ पर रोल नहीं प्रिंट कराना, इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर वैल्यू रखी हुई है वो बेसिकली प्रिंट करनी है. तो वो आपके पास ये वाली थी, उसने वो प्रिंट कर दी. देन वो प्लस पर आया, कहता अच्छा ठीक है वेरिएबल मैंने प्रिंट करा लिया, उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करा ली, अब प्लस के बाद जो वो चीज मुझे कहेगा मैंने वो करना है. उसने कहा कि अच्छा स्ट्रिंग लिटरल शुरू हो गई है. अगेन वो एक अदर अनदर स्ट्रिंग लिटरल की हर चीज को उसी तरह से पढ़े गए और उसको लाइक अब देखो यहाँ से उसको बैक स्लैश मिला ना, तो बैक स्लैश पढ़ के वो रुक जाता है, वो उसको प्रिंट नहीं करता. कहता है मेरी डिक्शनरी में कोई ऐसी चीजें हैं जो बैक स्लैश के साथ कोई एक अदर कैरेक्टर लेती हैं और फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. यानी वो चीजों को पढ़ता सही है लेकिन अगर उसकी डिक्शनरी में वो चीज मैच ना कर रही हो तो उसको छोड़ देता है. बाकी उसको अगर ये लगे कि ये चीज स्ट्रिंग के अंदर आएगी, यानी हमने ये स्केप सीक्वेंसेस जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए है, स्ट्रिंग को बेसिकली फॉर्मेट कर देती हैं, चेंज कर देती हैं पेरेंट्स को या उसकी फॉर्मेटिंग को. तो कहता है कि जब भी स्ट्रिंग आएगी और उसके अंदर बैक स्लैश आएगी तो मुझे फिर ये भी चेक करना है कि उसके अगला कैरेक्टर कौन सा. अगर तो वो एन है तो वो न्यू लाइन पर मुझे मूव करना है, इस तरह से उसको देखता है. अगर तो टी है तो इसका मतलब मैंने छह स्पेसिस जो है वो छोड़कर आगे जाना है. ठीक है, तो फिर वो इसको स्क्रीन पर प्रिंट नहीं करता, इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है जो इफेक्ट है फंक्शन परफॉर्म कर देता है, वो अगली लाइन पर चला जाता है. फिर एम को पढ़ता है, एम को प्रिंट करता है, इसी तरह से. अब एग्जैक्टली इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, और दो ही वेरिएबल्स हैं. अच्छा अगर ये इसको ये ना होता यहाँ पर तो भी यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रिंग्स थी. ठीक है, चाहे दरमियान में कोई चीज नहीं आई तो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को उसने कंकैटिनेशन ऑपरेटर के जरिए कंकैटिनेट कर दिया. Okay, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू सो मच. चलो ठीक है, शाबाश. ओके, तो आगे चलें क्लास. किसी का कोई एरर तो नहीं आया? ओके, तो अगला टास्क आपको क्या कहता है? अब आपने लैब 2 टास्क नंबर 6 डॉट जावा फाइल बनानी है. इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अलग से कर लेती हूँ ताकि वो भी मैं अलग से अपलोड कर लूँ.